हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अन्वेशा क्रिएटिविटी। और आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी जो कि मैं अपने प्लांट्स पर हमेशा अप्लाई करती हूं, लेकिन कभी याद ही नहीं आया कि आपके साथ में मैंने ये शेयर किया है कि नहीं किया है। तो मुझे याद आया कि आज से पहले मैंने आपके साथ में शेयर किया ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ में ये वीडियो शेयर करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा रोचक जानकारी है और बहुत ही ज़्यादा काम की जानकारी है, क्योंकि इस पर मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं। क्या क्वेरीज आती हैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड्स की जो अक्सर साथ में उनके समस्या आती रहती है, जो भी गार्डनिंग लवर हैं, कि उनके पौधों के जो पत्तियां हैं उनमें चमक नहीं होती है, या वो उतनी सुंदर नहीं है, या हेल्दी नहीं दिखती हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि देखिए, अगर हमारे पत्तों को पूरा मॉइस्चर मिलेगा या पूरे अच्छे से उनको सब कुछ खाद पानी या जो चीज़ भी चाहिए होती है हमारे पौधों को, अगर वो सभी चीज़ें टाइम पर मिलेंगी और बिल्कुल ठीक क्वांटिटी में मिलेंगी, तो हमारे प्लांट जो हैं वो हमेशा सुंदर और हरे भने रहेंगे और उनकी पत्तियों में भी चमक आएगी। ठीक है, तो आप देखिए, ये मेरा हेज का प्लांट है और इसकी लीव्स काफ़ी शाइन कर रही हैं। और भी दिखाती हूँ, ये गंदे हो रखे हैं, मैंने इनको धोया नहीं है, जिसकी वजह से ये ओहो शोर आ रहा है। तो ये गंदे हो रखे हैं, इनको मैंने वॉश नहीं किया है कई दिनों से, इसकी वजह से ये थोड़े कम शाइनी लग रहे हैं। लेकिन अभी आपको दिखाऊंगी, मैं अपने प्लांट्स के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें करती हूँ जिसकी वजह से मेरे प्लांट्स की जो पत्तियाँ हैं वो हमेशा चमकती रहती हैं और सुंदर बनी रहती हैं। तो आप भी अगर इन चीज़ों का नियमित रूप से प्रयोग करें तो आपके क्या प्लांट में कभी भी इस तरह की परेशानी नहीं आएगी, और हमेशा आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं वो सुंदर बनी रहेंगी, चमकती रहेंगी। उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि अब जैसे कि गर्मियां आ रही हैं, तो मॉर्निंग में आप एक काम करें कि अपने पौधों में जैसे पानी डालते हैं, वाटरिंग करने की जगह ऊपर से प्लांट्स को अपने नहलाएं। अब जैसे क्या कहते हैं, इसके ऊपर भी मान लीजिए, जब भी मैं पानी डालती हूँ तो मैं पूरे अच्छे से अपने प्लांट पर इस तरीके से मैं यहाँ पर शावरिंग कर देती हूँ। आपको ये निशान भी दिख रहे होंगे पानी के, शावरिंग करेंगे तो उससे क्या होता है, पानी जो है उसका मॉइस्चर हमारी पत्तियों को भी मिलेगा, और कुछ जो बचा कुचा पानी होता है वो हमारे प्लांट में भी चला जाता है। तो इस हिसाब से मैं करती हूँ। अच्छा, कई पत्तियाँ ऐसी होती हैं पौधों की जिनके ऊपर हम वाटरिंग नहीं करते, तो उनके लिए नहीं है ये चीज़। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका पौधा भी अच्छे से नहा लेता है और उसकी पत्तियाँ साफ़ सुथरी हो जाती हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसके ऊपर अगर कोई भी किसी भी किस्म के जो कीड़े वगैरह लगे होते हैं, या मिली बग है, या माइट्स वगैरह हैं, तो वो भी निकल जाते हैं। तो ये काम तो आपको डेली अपने प्लांट्स में करना ही पड़ेगा, उससे हमारा पौधा जो होता है वो स्वस्थ रहता है। और हाँ, एक चीज़ दिखा दूँ, किसी फ्रेंड ने बोला था कि आपने कोलियस की कटिंग लगाई थी, तो उसको अपडेट शेयर कीजिए, तो आपको दिखा देती हूँ। ये मेरी कोलियस की कटिंग है, इसको मैंने कटिंग से लगाया था और मैंने बताया भी था इसके ऊपर के किस तरीके से आपको समर्स में कोलियस की केयर करनी है। और इसमें मैंने ये दो तरह का कोलियस लगाया, एक ये वाला लगाया है, इसकी पत्तियाँ दूसरी तरह की हैं, और एक ये है, इसकी पत्तियाँ दूसरी तरह की है। और ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ भी हो गई है। ये बहुत छोटे छोटे से प्लांट लगाए थे, अगर आपने नहीं चेक किया है तो मेरी पुरानी वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगी। और इसके अलावा आप टाइम टू टाइम कोई भी पेस्टिसाइड जो होता है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब गर्मियां हैं तो इन दिनों में बहुत सारे माइट्स वगैरह जो कीड़े वगैरह हैं वो अटैक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स खराब हो जाते हैं और उनमें चमक नहीं बनी रहती है। और क्या होता है, वो पत्तियों को खा जाते हैं, कहीं की टिप मुड़ने लगती है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो काफ़ी हद तक किसी भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, साथ ही पत्तियां भी सुंदर बनती हैं। तो और कीड़े वगैरह नहीं होंगे तो पत्तियां हेल्दी रहेंगी, तो सुंदर तो बनेंगी ऑब्वियसली। और ये वही वाली मनी प्लांट है, ये वाली मनी प्लांट तो मेरी वो है जो मैंने ग्रो की थी फर्टिलाइजर के थ्रू, और ये मेरी इस साइज की थी मनी प्लांट जो मैंने आपके साथ में पहले शेयर की थी, कि इस वाली मनी प्लांट में मैंने वो फर्टिलाइजर नहीं दिया था और इस वाली मनी प्लांट में मैंने वो फर्टिलाइजर दिया है। तो आप देखिए, अभी मैं सोच रही हूँ कि 2-3 दिन के बाद में इसमें भी दूंगी, तो अब आप देखिए इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ आई है, और मेरे क्रोटन में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई है दोबारा से। ये देखिए,
और हाँ, कई फ्रेंड्स के मैसेज आते हैं कि उनके क्रोटन में जो पत्तियां हैं वो खराब हो जाती हैं, सूख रही हैं। तो देखिए, ये तो नेचुरल प्रोसेस है कि जब नई पत्तियां निकलेंगी तो साथ ही साथ पुरानी, जो बहुत पुरानी पत्तियां हैं वो भी टूट करके गिरेंगी। तो अभी भी वैसे भी पतझड़ का मौसम है, तो मेरे इस क्रोटन में ये इतनी पत्ती खराब हुई है। तो इसका दो तरीके होते हैं कि एक तो आप इसको बिल्कुल ही निकाल दें जड़ से, दूसरे इसको कट कर दें यहाँ से, सीजर से। तो मैं तो कट कर देती हूँ जब तक कि अगर ये ठीक है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको वो, जिससे जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ अपने प्लांट में, जिसकी वजह से मेरे प्लांट्स के पत्तों में चमक बनी रहती है। दिखाती हूँ मैं आपको वो चीज़, ये हैं दो वो चीज़ें जिनको मैं यूज़ करती हूँ हर 10 दिन के बाद अपने पौधों में। और यूज़ किस तरीके से करना है और कैसे करना है वो अभी आपको मैं बताती हूँ। ये है मेरे पास हैंड वॉश, आप किसी भी कंपनी का कोई भी हैंड वॉश ले सकते हैं। और हैंड वॉश कितना लेना है, ये छोटा वाला चम्मच है जो टी स्पून होता है उतना। तो इस छोटे चम्मच को आपने 1 चम्मच ये ले लेना है, और इसको बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी इस्तेमाल नहीं करना है, केवल 10 या 12 दिन में करना है एक बार। अगर आप रोज़ रोज़ करेंगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। और इस 1 चम्मच को लगभग 1500 मिलीलीटर पानी लिया है मैंने, यानी कि 1.5 लीटर की बॉटल है उसके अंदर मैंने डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है हैंड वॉश को। आप लिक्विड डिश सोप भी ले सकते हैं, जो बर्तन धोने वाला लिक्विड डिश वॉश होता है उसको भी ले सकते हैं। और ये लिया है मैंने 1 चम्मच, ये है कैस्टर ऑयल। आप किसी भी कंपनी का कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, ये 1 चम्मच मैंने कैस्टर ऑयल लिया है। और इसको भी मैं अपने इस बॉटल में डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैंने बॉटल में भर लिया है और बॉटल को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इसके बाद में इस जो सॉल्यूशन हमने बनाया है, इससे अपने पत्तों को अगर आप वॉश करेंगे तो दो फायदे हैं। एक तो आपके मुरझाए हुए पत्तों में जान आएगी, दूसरे जो भी कीड़े वगैरह होते हैं एक्स्ट्रा वो भी आपके चले जाते हैं, और आपके पत्तों में भी चमक आ जाती है। अब आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये इंस्टेंटली चमक आ जाती है। और आप अगर हर 10-12 दिन के बाद में इसको यूज़ करेंगे, पर ज़्यादा नहीं यूज़ करना है आपको, 12-12 दिन के बाद में, गैप के बाद में अगर आप यूज़ करेंगे, और इससे अपने पत्तों को धो भी सकते हैं, तो आपके जो हैं वो पत्ते बहुत सुंदर होंगे। ये देखिए, तो ये जो है वो मैं बेसिकली रूटीनली इस चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ। तो बस उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा आज का ये वीडियो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर से कर दे। जल्दी ही मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।